इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो या एजुकेशन। अमेरिका हर चीज में नंबर वन माना जाता है। अमेरिका हर साल अपने फैसिलिटीज और सिस्टम को इवॉल्व करता है, इसी वजह से वह टॉप पर है। हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिलना अमेरिकन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के स्कूल्स भी काफ़ी डेवलप्ड और टॉप क्लास है। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स बिना किसी परेशानी के सीखने मिलते हैं, साथ ही उन्हें टीचर्स भी अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाने के लिए इनकरेज करते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड स्कूल्स। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन स्कूल्स के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ स्कूल से लेकर अलग अलग टीचिंग मेथड्स तक, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, हिस्ट्री। अमेरिका में स्कूल्स की शुरुआत न्यू इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहला अमेरिकन स्कूल 17वीं सेंचुरी में खुला था और उसका नाम बॉस्टन लैटिन स्कूल था। पहले के ज़माने में सिर्फ रिच फैमिलीज ही अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। उन्हें लिटरेसी और अरिथमेटिक की नॉलेज दी जाती थी। न्यू इंग्लैंड में लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साउथ अमेरिका में स्टूडेंट्स को उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पाता था। वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखा करते थे और बड़े हो जाने के बाद उन्हें न्यू इंग्लैंड भेज देते थे। 1927 में सिस्टर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट उर्सुला खोला गया था, जो कि सबसे पहला स्कूल ऑफ गर्ल्स था। एक बात अमेरिकन स्कूल में सबसे यूनिक है कि वहाँ के स्टूडेंट हर डाउट का सवाल करना जानते हैं, और सवाल के बाद सॉल्यूशन मिलना जरूरी है। कुछ ऐसे ही फीचर्स के साथ हमारे इंडिया में अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर्स की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह है। ऑफर सिर्फ CBSE क्लास 6-12 के लिए एप्लीकेबल है। ऑफर ओनली अवेलेबल फॉर फ्री लर्नर्स। ऑफर ड्यूरेशन 29th August to 5th September। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6th September to 12th September। आस्क अ डाउट फीचर को यूज करने के लिए आप अनअकैडमी की ऐप में आस्क अ डाउट बटन को क्लिक करें। कोड पूछने पर हमारा कोड FACTS10 यूज करें। उसके बाद आप अपने डाउट की फोटो अपलोड करें। इसके बाद अपलोड डाउट का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। एग्जांपल, जैसे इस डाउट का सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स क्लिक किया और थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें और हमारा कोड FACTS10 को यूज करके आस्क अ डाउट फीचर को फ्री में यूज करें। और यही कोड यूज करके आप अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नंबर टू, टाइप्स ऑफ स्कूल्स। अमेरिका की सबसे खास बात यह है कि हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्कूल्स बनाए गए हैं। अमेरिका में कई टाइप्स के स्कूल्स हैं, जैसे कि पहला है ट्रेडिशनल पब्लिक स्कूल्स। इन स्कूल्स का लोकल, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट रन करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें फी देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा टाइप है चार्टर स्कूल। ये बिल्कुल पब्लिक स्कूल्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज और टीचिंग ज़्यादा बेटर होती है और उन्हें गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। चार्टर स्कूल्स में टीचर्स को ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है पब्लिक स्कूल्स के कंपैरिजन में, और तो और स्टूडेंट्स को कोई फी भी नहीं देना पड़ता। तीसरा टाइप है मैग्नेट स्कूल। इस टाइप के स्कूल्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंस या आर्ट्स। ये स्कूल भी फ्री पब्लिक स्कूल्स होते हैं जिसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। मैग्नेट स्कूल्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कूल है जहाँ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। अमेरिका में प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद हैं, जैसा कि ट्रेडिशनल प्राइवेट स्कूल्स। इन स्कूल्स को गवर्नमेंट फंड नहीं करते, इसीलिए यहाँ जाने के लिए आपको फी पे करनी पड़ती है। गवर्नमेंट के अंडर न होने की वजह से वो अपना करिकुलम फॉलो कर सकता है। इसके बाद आता है बोर्डिंग स्कूल्स। ये ऐसा स्कूल है जहाँ स्टूडेंट्स को रहने और खाने की जगह दी जाती है। सिक्स टाइप का स्कूल है लैंग्वेज इमर्जन स्कूल। इन स्कूल्स में इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। मॉन्टेसरी स्कूल एक बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ स्कूल है जहाँ हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी अमेरिका में बहुत से अलग स्कूल्स हैं। अमेरिका के हर स्टेट में आपको अलग अलग टाइप के स्कूल्स देखने मिल जाएंगे। नंबर थ्री, नंबर ऑफ स्कूल्स। अमेरिका में 67,606 पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और 23,872 पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 20,090 प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और 2,845 प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स हैं। न्यू जर्सी अमेरिका का ऐसा स्टेट है जहां बेस्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मिलता है। हम आपको बता दें, 90% अमेरिकन स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं।
यानी कि ऑलमोस्ट 50.8 मिलियन स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल्स में ही जाना पसंद करते हैं। नंबर 4, नंबर ऑफ टीचर्स एंड सैलरी। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 3.7 मिलियन टीचर्स हैं, जिसमें 1.8 मिलियन एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं और 1.8 मिलियन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं। 1999 टू 2000 से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 23% का इंक्रीज है। ये एवरेज पब्लिक स्कूल टीचर्स की सैलरी $63,000 एनुअली होती है। अमेरिका में 76% पब्लिक स्कूल टीचर्स फीमेल है। नंबर 5, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। अमेरिका में बहुत से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। टीचर्स एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे स्टूडेंट का फोकस बढ़ता है, इंगेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी। वहीं इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए टीचर स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। स्टूडेंट्स को सिनारियोज दिए जाते हैं जिसमें उन्हें खुद डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इससे उनका फोकस बढ़ता है। टीचर्स कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाने के लिए स्टूडेंट को लैंग्वेज और कॉग्निटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं। उन्हें मैथमेटिकल और लॉजिकल सोचने के लिए इनकरेज किया जाता है। टीचर्स इंडिविजुअली हर स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आगे जाने के लिए इनकरेज किया जाता है। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो किस कंट्री के स्कूल के बारे में देखना चाहोगे ये हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।